नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। मैं विनोद यादव, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का हूँ और मेरी ये भोजपुरी फिल्म पहली जीवन का करियर का पहली फिल्म है जिसका नाम गुंडा है। हम लोग इसको फरवरी में शूट किए थे बनारस में और आज इसका ट्रेलर लॉन्च था। बहुत ही अच्छा था काम करने का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही अच्छा लगा। आज पूरी टीम आई, आज हमारे इस इसमें इकबाल बक्सर डायरेक्टर सर हैं, साथ में सिकंदर खान प्रोड्यूसर हैं और हमारी जो साथ हीरोइन अंजना सिंह थी और आज इसमें हमारे ट्रेलर लॉन्चिंग में सभी अच्छे जो इस फिल्म इंडस्ट्री के लोग राजा मुराद सर और राजपाल यादव जी सभी लोग आए थे और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने, पूरी मीडिया और सबने देखा और देखने के बाद इतने गेस्ट सभी लोगों ने अच्छा बताया तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। पहली फिल्म करने के बाद सब जब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि विनोद ने एक अच्छा काम किया पहली फिल्म में तो अच्छा लग रहा है। तो काम करने में कितना अच्छा लग रहा था और क्या काम में? तो उस समय मेहनत होती है तो कुछ पता नहीं चल पाता है, काम के समय में कुछ पता नहीं चल पाता है कि मेहनत करते करते थक भी जाता था, लेकिन एक कोशिश थी जो विश्वास था हमारे प्रोड्यूसर का कि फिट बैठा इस मूवी में तो मैं वो देने की कोशिश कर रहा था और डायरेक्टर के दिए हुए डायरेक्शन में 100% काम करने की कोशिश करता था और मैं कभी ध्यान नहीं दिया मेरी मूवी कहाँ जा रही, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं उसको कम्प्लीट देखना चाहता था कि मैंने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या वह दिखा मेरे को और मैं उम्मीद भी नहीं किया था, खुद नहीं उम्मीद किया था कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं नॉन प्रोफेशन से आता था। मैंने कभी मूवी में नहीं काम किया, कभी मैंने कोई स्टेज शो नहीं किया, मैंने कभी गाना तक नहीं गाया, मैं कभी कैमरे के सामने फेस नहीं किया। आज एडमिशन किया, कल जाके शूट किया इस तरह से और इतने सेट जो सीखा सेट पे सीखा। तो सबसे ज्यादा किससे सीखने को मिला आपको? अगर देखिए निगेटिविटी अगर दिल से पूछा जाए तो मैं सबसे अधिक सीखना मैं अंजना मैडम से सीखा क्योंकि पूरी शूटिंग में मेरे अपोजिट नहीं जैसे थी लेकिन हर जगह से उन्होंने मेरी गलतियां या तो मैं गुस्सा होता था लेकिन मैं अपने अंदर रखता था कि कमियां अगले क्यों निकाल रही है, तो मैं कमियों को पूरी 100% कोनी कोनी हिम्मत और हिम्मत जो देते थे सिकंदर सर कि डरने कोई जरूरत नहीं है बोलते थे लेकिन मैं सारा मेरा प्रोजेक्ट ना खराब हो तो एक निगेटिव का अगर ध्यान दिया जाए कभी गलतियां भी सुधारने का मौका भी कोई सामने देता है और कोई अगर हिम्मत देता है तो दोनों का श्रेय जाता है मेरे प्रोड्यूसर सिकंदर खान सर को और अंजना सिंह को। मैं दोनों को सपोर्ट बोलूंगा कि आज ये फिल्म देखने का मैं खुद महसूस किया कि शायद अगला मेरे को टोकता नहीं, मेरी गलतियों पर रोकता नहीं तो मैं अपने आप को अच्छा सुधार नहीं सकता था। नहीं, मैं सिकंदर सर को सबसे अधिक श्रेय इसलिए दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जो समझ के जो उन्होंने जजमेंट किया था कि विनोद इस फिल्म में हीरो फिट बैठेगा उस जजमेंट को 100% देता हूं और उनके जजमेंट के हिसाब से मैंने जो काम किया है वो भी अच्छा किया और सर को मैं देता हूं धन्यवाद बोलूंगा और मैं श्रेय भी दूंगा कि मुझे अगर आज इंडस्ट्री में एक हीरो बना करके एक मैंने पहले मैं मीडिया में बोला कि एक पिता मेरे थे जो अभी दुनिया में मुझे पैदा किए थे और दूसरे पिता अगर इंडस्ट्री के रूप में मैं कहूँगा तो सिकंदर खान सर को कहूँगा जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मोड़ दे करके यू टर्न पॉइंट पे खड़ा करके हीरो बना के प्रेजेंट किया है वो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, ना इसका मैं कोई काट है, ना मैं इसको कभी ये एहसान जिसे कहते हैं मैं जीवन में कभी इसको मिटा सकता ना भूल सकता। आगे भी कोई फिल्म और करने वाले? हाँ, हम लोग हमारी अगली फिल्म है और जो आज ही अलाउंस हुआ प्रोड्यूसर सिकंदर खान सर ने बोला कि हम लोग गुंडा पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसका अक्टूबर या नवंबर में शूट करेंगे। इसमें हमारे इस फिल्म में 3 हीरो हैं, सिकंदर खान, राजपाल यादव और विनोद यादव। और सबसे ज्यादा आपको सहयोग किससे मिला जो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे? सपोर्ट इंडस्ट्री में सभी ने सपोर्ट किया, कैमरामैन डायरेक्टर, लेकिन अगर मैं एक फैमिली जो मेरे को मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि जिस समय मैं पिक्चर शूट करता मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी, 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी और उस समय मैं उसको छोड़ के बोली कि आप जाइए शूट कीजिए, मुझे चिंता मत करिए, मैं हॉस्पिटल में दिखा लूंगी और एक 6 महीने का बेटा आहान है और मैं उसको बहुत मैं लकी हूँ कि मेरा ऐसा बेटा मिला कि आते मुझे हीरो बना दिया तो मैं बहुत बड़ा श्रेय उसको दूंगा कि आते एक मेरा जो एक लाइफ चेंज कर दिया तो मेरी वाइफ और मेरे बेटे का एक जिसे लक कहते हैं ना तो लक में अगर नाम लिया जाए तो इन दोनों लोग का। तो
जाते जाते और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भोजपुरी दर्शक से बोलूंगा, इस देश प्रदेश विश्व में जितने भोजपुरी दर्शक से निवेदन करूंगा, इस गुंडा फिल्म को आप सभी लोग देखिए और अधिक से अधिक इसको अपने अगले महीने रिलीज हो रही इस पिक्चर को और जल्द ही रिलीज होने वाली है, थिएटर में जाके देखिए, प्यार दीजिए और आप अच्छा प्यार देंगे और अच्छे रिस्पॉन्स देंगे तो हम लोग अच्छे से अच्छे पिक्चर बनाने की भोजपुरी में और कोशिश करेंगे। अभी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी भोजपुरी थिएटर में रिलीज हो रही है और स्टेप बाय स्टेप फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में फिर ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे। वो प्रोड्यूसर सर अपने हिसाब से शेड्यूल को उसको तैयार किया। ओके धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।